मैक्रो फोटोग्राफी, जिसमें छोटे से छोटे चीज को भी ऑब्जर्व करना होता है, उसके ब्यूटी को कैमरे में कैप्चर करना होता है। दुनिया में हर चीज का एक अलग ब्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सनसेट के टाइम एक माउंटेन का एक अलग ब्यूटी होता है, वैसे ही मॉर्निंग के टाइम ग्रास के ऊपर जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं उसका भी एक अलग ब्यूटी होता है। एंड एज ए फोटोग्राफर आपको उस ब्यूटी को ही ढूंढना होता है क्लोजली ऑब्जर्व करके। सो गाइस, इस वीडियो में मैं मैक्रो फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बात करूंगा एंड आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसको यूज करके आप बहुत अच्छे अच्छे मैक्रो शॉट्स ले पाएंगे। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमको जानना होगा मैक्रो फोटोग्राफी क्या होता है। व्हाट इज मैक्रो फोटोग्राफी? मैक्रो फोटोग्राफी में आपको कोई से भी स्मॉल ऑब्जेक्ट या कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट का क्लोज जाके उसका क्लोजअप शॉट लेना होता है। अब टेक्सचर और पैटर्न जितना शार्प होंगे उतना ही फोटो अच्छा लगेगा। अब अगर स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करने जाओ तो एक ही प्रॉब्लम आता है, फोकसिंग इशू। हर एक स्मार्टफोन का एक फोकस डिस्टेंस होता है एंड अगर उससे पास जाके फोटो क्लिक करना चाहो तो स्मार्टफोन का कैमरा है वो फोकस नहीं कर पाता एंड द फोटो बिकम ब्लरी। लेकिन अगर आपको एक DSLR लेवल की फोटोज चाहिए देन आपको एक मैक्रो लेंस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं पर्सनली जिस मैक्रो लेंस को यूज करता हूँ उसका नाम है स्काईबिक सिग्नी X25mm मैक्रो लेंस एंड ट्रस्ट मी, इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप स्क्रीन पे जो फोटो देख पा रहे हो वो मैंने इसी लेंस को यूज करके क्लिक किया है। एंड अगर और फोटो देखना है तो ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज। एंड ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इस प्राइस में अगर कोई कंपनी इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहा है तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, अब आ जाते हैं कुछ टिप्स के ऊपर। नंबर 1, गुड लाइटिंग। आप जिस भी ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक कर रहे हो उसके ऊपर एनफ लाइट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्मार्टफोन का सेंसर होता है वो एज कम्पेयर टू DSLR सेंसर बहुत ही छोटा होता है। Very small. अब अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं होगा तो डिटेल्स खत्म। सो इसके लिए आपको डे लाइट पे ज्यादा शूट करना चाहिए। एंड अगर इंडोर फोटोग्राफी हो तो आपको ऐसे एक लाइट सोर्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लाइट उतना ही शार्प इमेज एंड जितना शार्प आपका डिटेल्स एंड टेक्सचर होगा उतना ही फोटो ब्यूटीफुल। नंबर 2, कंपोजिशन। अब मैक्रो फोटोग्राफी में कंपोजिशन का इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना एक मिठाई में शुगर की। बहुत इंपॉर्टेंट। मैं प्राइमरीली 2 कंपोजिशन यूज करता हूँ। पहला है सेंटर कंपोजिशन एंड सेकंड है रूल ऑफ थर्ड्स। अगर आपका सब्जेक्ट मेन प्रायोरिटी है देन आपको सेंटर कंपोजिशन यूज करना चाहिए। एंड अगर आप सब्जेक्ट के साथ साथ उसके आसपास के बैकग्राउंड को भी दिखाना चाहते हो देन रूल ऑफ थर्ड्स इज ए ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। नंबर 3, यूज मैनुअल फोकस। मैक्रो फोटोग्राफी में ये 2 चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। पहला, आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा फोकस में रहना चाहिए एंड आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लर होना चाहिए। एंड इसके लिए आपको मैनुअल फोकस पे शूट करना चाहिए। अब मैनुअल फोकस कहाँ मिलेगा? प्रो मोड में कभी। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं। मैनुअल फोकस में फोकसिंग का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, जो आपके मैक्रो फोटोग्राफी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 4, यूज ए ट्राइपॉड। मैक्रो फोटोग्राफी में आपके सब्जेक्ट को वो फोकस करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसका मेन प्राइमरी रीजन है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। आप नोटिस कर पाएंगे आपका फोन अगर थोड़ा सा भी मूव कर गया तो बहुत ज्यादा फोकस शिफ्टिंग होता है, इसलिए आपको एक ट्राइपॉड यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्राइपॉड यूज करेंगे तो आपका फोकस शिफ्टिंग बहुत हद तक कम हो जाएगा एंड आप बहुत आसानी से सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगे। नंबर 5, टेक मल्टीपल फोटोज। अगर आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है देन उस पर फोकस करना हार्ड ही नहीं, इस मोमेंट पे आपको कंटिन्यूअसली फोटो को क्लिक करते जाना है एंड बाद में आप गैलरी में चेक करेंगे उसमें एक ना एक ऐसा फोटो होगा जिसमें सब्जेक्ट पूरा फोकस में होगा। आई होप ये सारे टिप्स को इंप्लीमेंट करके आप बहुत अच्छे अच्छे मैक्रो शॉट क्लिक कर पाएंगे। एंड फोटो क्लिक करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना मत भूलना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।